इस वक्त की बड़ी खबर एमपी के हरदा से, जहां पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। पटाखा फैक्ट्री में आग के बाद तेज धमाके हुए हैं, जहां 2-3 किलोमीटर दूर तक भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर हरदा से, जहां पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, कई लोगों के जख्मी होने की आशंका जताई गई है। बड़ी खबर हरदा से, जहां पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, 2-3 किलोमीटर दूर तक भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए हैं। वहीं धमाका होने के बाद आग लगी है, जहां आग बुझाने का लगातार प्रयास जारी है। कई लोगों के दबे होने की भी आशंका जताई गई है। बता दें कि मगरदा रोड की फैक्ट्री में ये धमाका हुआ है, कई लोगों के जख्मी होने की आशंका है। धमाके के कारण कई घरों में भी दरारें आई हैं और दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि बड़ा ये धमाका देखने को मिला है हरदा में। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, जहां पटाखा फैक्ट्री में आग के बाद तेज धमाके की आवाज आई और 2-3 किलोमीटर तक दूर तक ये भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, पटाखा फैक्ट्री में आग के बाद तेज धमाका हुआ, वहीं 2-3 किलोमीटर दूर तक भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है, कई लोगों के दबे होने की भी आशंका है। बता दें कि मगरदा रोड की ये फैक्ट्री में धमाका हुआ है, कई लोगों के जख्मी होने की भी आशंका है। हालांकि अभी जानकारी सामने नहीं आई है कि वहां किस तरह की जनहानि हुई है, लेकिन कई लोगों के जख्मी होने की जरूर आशंका जताई गई है। धमाके के कारण कई घरों में दरारें भी आई हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हरदा से बलवीर सिंह खत्री जुड़ गए। बलवीर, आपसे जानना चाहेंगे, हरदा में जो पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, कई लोगों के जख्मी होने की भी आशंका है, और जो जिस तरह से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, किस तरह से बड़ा धमाका देखने को मिला है, क्या कुछ अपडेट है, वहां किन लोगों से बातचीत हो पाई है? दीक्षिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मगरदा रोड के गोडाउन का मामला है। यहाँ पे अभी 2 घंटे पूर्व ही एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे राहगीर भी घायल हुए हैं, और जानकारी ये मिल रही है कि कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। यहाँ पे प्रशासन को सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पे पहुंचा है और एम्बुलेंस से घायलों को जिला चिकित्सालय भेजा जा रहा है। बलवीर, अभी क्या स्थिति है, जिस तरह से तस्वीर पे देख रहे हैं कैसी भीषण आग लग चुकी है, अभी क्या आग कम हो पाई है या नहीं, टीम पहुंची होगी, अभी तक जैसे गुबार दिखाई दे रहा है, क्या कुछ अपडेट है अभी? आपको बताना चाहूंगा दीक्षा कि अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई आग बुझाने में, और कुछ समय लग सकता है आग बुझाने में, अभी भी प्रयास जारी है जिला प्रशासन। बलवीर, लोगों के जख्मी होने की भी आशंका जताई गई है, क्या कुछ देखने को मिल पा रहा है, वहां कोई लोग हैं जो जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, कोई अपडेट? आपको बताना चाहूंगा दीक्षा कि यहाँ पे जो राहगीर थे उनके भी घायल होने की जानकारी मिल रही है, उनको तत्काल एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय भेजा गया है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आप तमाम जानकारी देने के लिए बलवीर। तो खबर आपको हरदा से बता रहे हैं, जहां पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, पटाखा फैक्ट्री में आग के बाद एक तेज धमाका हुआ, जो कि 2-3 किलोमीटर दूर तक भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए, और फिलहाल आग बुझाने का प्रयास जारी है, कई लोगों के दबे होने की भी आशंका जताई गई है। मगरदा रोड की फैक्ट्री में ये धमाका हुआ है, और धमाके के कारण कई घरों में भी दरारें आई हैं, देख सकते हैं दूर तक ये धुएं का गुबार भी दिखाई दे रहा है, हादसा भीषण है। वहीं अपडेट होते ही आपको जानकारी देंगे आगे की कि किस तरह से ये धमाका हुआ और कितने लोगों के जख्मी होने की भी खबर सामने आई। बड़ी खबर हरदा से।